एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीरा स्वीट रेसिपी। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों को बताएंगे एक प्यारी सी न्यू रेसिपी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। मार्केट जाइए, आम लाइए और धोइए, छीलिए और नमक मिर्चा लगा के खाइए। लेकिन मैं इसे कुछ इस बनाऊंगी। दो आम हैं, अब एक पतीले में या फिर फ्राई दान में इसे बॉयल करेंगे। ऐसे इसे ढक देंगे। ऐसे एक प्लेट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब इसे मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे। अब ये मिक्स हो गया है, इसी में अपना वही नींबू थोड़ा सा कट करेंगे दो भाग। अब इसे थोड़ा सा इसमें रस निकालेंगे ऐसे। अब इसमें ग्लास से थोड़ा ऐसे करेंगे ऐसे, थोड़ा इधर उधर लग जाए अच्छे से। अब एक नींबू ग्लास पे रगड़ेंगे ऐसे, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में इसलिए लगा रहे हैं। आपका मन करे तो लगाना, वरना स्किप कर देना। एक बाउल लेंगे, अब इसमें यही जो बॉयल किए थे अपने आम प्यारे से, यही इसका छिलका उतारेंगे अच्छे से ऐसे। अब इसका जो अंदर का पल्प है इसे निकाल लेंगे, गुठली भी निकाल लेंगे ऐसे ऐसे। अब थोड़ा सा एकदम दबा दबा के अच्छे से इसको निकाल लेंगे, इसके अंदर का पल्प। अब ऐड करेंगे पानी ऐसे। हम थोड़ा ही ऐड कर रहे हैं, आप लोग जितने आम लें उतना ऐड कर लीजिएगा अपने तरीके से ऐसे। अब इसका सारा पल्प निकाल लेंगे ऐसे, गुठली का और छिलके का। कुछ ऐसा मेरा लग रहा है आम का पल्प ऐसे, कुछ ऐसा लग रहा है। आप लोग अपने तरीके से पतला और गाढ़ा कर सकते हैं। इसी में ऐड करेंगे शक्कर, जिसे बोलते हैं चीनी। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर। ये भाई मसालेदार बनाएंगे चटपटा सा। ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा ऐसे। ऐड करेंगे थोड़ा सब्जी मसाला या गरम मसाला, आप लोग ऐड कर दीजिएगा। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा। मैं मसालेदार बना रही हूँ चटपटा सा। आप लोग मैजिक मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा टेस्ट आएगा ऐसे। खूब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, हला हला के इधर उधर। ये मेरा मिक्स हो गया है, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। अब एक गिलास लेंगे, वही आप लोग एक लीजिए गिलास। अगर आप लोग ज़्यादा बनाए हैं तो दो चार आपके फैमिली मेम्बर्स जितने हो उतने ले लीजिएगा गिलास। अब इसी में ऐड करेंगे, इसमें ऐड किए हैं नींबू और पुदीना। अब ऐड कर देंगे इसमें वही प्यारा सा पना, आप लोग इसे क्या नाम देना चाहते हैं। वैसे तो इसे सभी लोग आम का पना कहते हैं, मैं भी आम का पना कह रही हूँ। इसे थोड़ा सा और नींबू ऊपर से लगाएंगे ऐसे, और बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है। और आम का पना वैसे फ़ायदेमंद होता है गर्मी के सीज़न में, क्योंकि लू से बचाता है और बहुत सारे पौष्टिक इसमें मिलते हैं, आयरन और विटामिन सी। गर्मियों में इसे पीना चाहिए, और आप लोग बर्फ़ या फिर ठंडा पानी मिला के पी सकते हैं, बहुत आरामदायक होता है और विटामिन तो भरपूर मात्रा में मिलती है। प्लीज़ आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा मेरा ये आम का पना आप लोगों को कैसा लगा चटपटा मसालेदार। मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।
हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।